क्या अविवाहित कुंवारी लड़कियां जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुका है ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं? कैन अनमैरिड गर्ल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वेयर रुद्राक्ष? ये सवाल है। देखिए, उम्र का कोई बंधन नहीं है। लड़की बहुत छोटी हो, कुंवारी हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुका हो या विवाहित हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी लड़की, कोई भी औरत, कोई भी पुरुष, चाहे वृद्ध हो, जवान हो, बालक हो, कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है, कोई बंधन नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में रुद्राक्ष को पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपकी और एक बॉडी है, इलेक्ट्रिकल बॉडी है, जो कि आपके पार्थिव शरीर के चारों तरफ है, इस जो ऑरा होती है, ये ऑरा पोरस हो जाती है, उस पे गैप्स आ जाते हैं। इसलिए पुराने जमाने में ये मना किया गया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में किसी को ना छुए, ना ही मंदिर में जाए, थोड़ा दूरी बनाए रखें लोगों से, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित कर सकती है, आपकी और एक बॉडी से आपके पंचभूत शरीर को इफेक्ट कर सकती है, इसलिए मना होता था। रुद्राक्ष प्रोटेक्ट करता है, एज ए प्रोटेक्टर। तो लड़कियों को, औरतों को रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए, और मासिक धर्म के समय में तो जरूर ही पहनना चाहिए। इसे कहते हैं मासिक धर्म, धर्म मतलब रिलीजियस की बातें हो रही है यहाँ। तो रुद्राक्ष पहनने में कोई पाबंदी नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज, कास्ट, क्रीड, जियोग्राफी, मैरिटल स्टेटस, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ऑलवेज वेयर रुद्राक्ष, लेकिन ये तय करें कि रुद्राक्ष असली ही पहने, जेन्युइन ही पहने, लैब टेस्टेड ही पहने। ऐसा नहीं कि 17 मुखी बोल के दे दिया गया, 16 मुखी पहने हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 17 मुखी का असर आ जाए, शनि आपका ठीक हो जाए, ऐसा हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में और एक सवाल लेकर आपको समझता आऊँगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।